नमस्कार दोस्तों, देशवाल व्लॉग में आप सबका स्वागत है। साथियों, आज मैं हूं बहादुरगढ़ के नए बस स्टैंड पे, जो नया बस अड्डा ओपन होया है। कल ही इसका उद्घाटन होया है। सबसे पहले लोकेशन मैं आपने बता दूं तो अभी हम वहाँ बहादुरगढ़ बाईपास के ऊपर, ये इस तरफ गया दिल्ली को और सामने बिल्कुल सेक्टर 9 है, ये गया झज्जर की तरफ। ये बहादुरगढ़ का बाईपास रोड है और इसी बाईपास रोड पे जो मेट्रो का डिपो है उसके बिल्कुल सामने ये अपना नया बस स्टैंड है दोस्तों बहादुरगढ़ का। अभी इसके अंदर चलते हैं और दिखाते हैं अपना नया बस स्टैंड जो अपने शहर का है वो किस तरह का है। जमीन की हम बात करा तो कुल जमीन 9 एकड़ के करीब है। 9 एकड़ में यो पूरा परिसर है बस अड्डे का। और सबसे पहले दोस्तों देखो कितना सुंदर मंदिर बनाया गया है। सबसे पहले इस मंदिर ने देखांगे, उसके बाद हम बस स्टैंड के अंदर चलांगे और मैं दिखाऊंगा आपने क्या क्या यहाँ पर बनाया गया है और क्या कुछ इंतजाम है। अगर बात करा हम बस स्टैंड की लागत की तो करीब 23 करोड़ रुपये में ये बनकर तैयार होया है। मंदिर के बिल्कुल सामने ये पार्क बना दिया, काफी बड़ा पार्क है। अभी नई घास लगाई है इसमें और ये देखो जी, ये सुंदर सा मंदिर यहाँ पर बनाया गया है। अंदर तो मैं आपने दिखा दूं, कल यहीं पर पूजा अर्चना हुई थी और उसके बाद बस स्टैंड चालू कर दिया था। ये इस तरफ भगवान शिव शंकर का शिवलिंग है और यहाँ पर हनुमान जी विराजमान है। अंदर श्री कृष्ण राधा जी की मूर्ति है बहुत प्यारी प्यारी और इसके चारों तरफ से परिक्रमा लगाने के लिए मार्ग छोड़ दिया और ये शीशे लगाए गए हैं। मंदिर के साइड में कुछ पेड़ लगाए गए हैं यहाँ पे जो कि बहुत सुंदर दिखाई दे हैं। तो अभी चलते हैं बस स्टैंड की तरफ। तो जी कल ही बस अड्डे की शुरुआत हुई है और देखो ये हमारी बहने बस अड्डा देखने आई थी यहाँ पे। तो बहन जी कैसा लगा बस अड्डा? बहुत अच्छा है और बहुत अच्छी सुविधाएं दे रखी हैं। उस पुराने में पानी भर जाए, पानी में वो नीचा था ना इसलिए तो उसमें पानी भर जाता था। और ये बाईपास से वैसे भी आसान है, जाम से भी मुक्ति मिलेगी और ये भी अच्छा रहेगा। तो जी ये हमारी बहने यूट्यूब हमारी फैमिली की मेंबर है। बिल्कुल, हम तो लाइक करियो भाई, बहुत अच्छे व्लॉग बनाते हैं। मैं तो रोज देखती हूँ, मैं तो देखते ही पहचान गई थी हमारे देशवाल भाई हैं। धन्यवाद। और उसमें छोटे को और इनको बच्चों को भी और भाभी को भी देखते हैं खूब जी। धन्यवाद बहन जी, बहुत बहुत। तो मेरे साथ आया है देव, क्योंकि छोटा भाई बीमार है इसलिए वो आ नहीं पाया। हम दोनों पापा बेटा कवर करने आ गए थे बस स्टैंड में। अभी हम पहुंच गए हाँ बस अड्डे के बिल्कुल पास। तो सबसे पहले इसको अंदर से देखेंगे किस तरह का है। अभी हम बिल्कुल लास्ट में हाँ बस अड्डे के। और जी ये है शौचालय, ये इस तरफ भी शौचालय और पीछे की तरफ भी शौचालय। तो अभी चलते हैं अंदर की तरफ और देखते हैं क्या क्या सुविधाएं हैं। और नीचे ये देखो जी, जैसी मेट्रो स्टेशन पर टाइली हो आगरा उस तरह की ये टाइली लगा दी गई है। और ये महिला वेटिंग रूम है, ये अंदर का नज़ारा है बस स्टैंड का। और ये काफ़ी सारी दुकानें यहाँ पर बनाई गई हैं जो कि अभी अलॉट कर दी जाएंगी, कोई जूस की दुकान, कुछ खाद्य पदार्थ की। और ये इस तरह के स्टूल हैं जी, ये देखो ये इस तरह के स्टूल बनाए गए हैं। ये बिल्कुल लास्ट तक बना दिए गए हैं स्टूल। और ये सामने टिकट काउंटर है, एक ये टिकट काउंटर है, कम से कम 5 हैं टिकट काउंटर, 5 या 6 हैं। ये अंदर से इस तरह का नजारा है बस स्टैंड का। ये यहां पर ऑफिस है, अग्निशमन के जो यंत्र है वे भी लगाए गए हैं। और दोस्तों अभी मैं अंदर से जो बरामदे का नज़ारा है वो आप लोग देख सको हो, ऊपर ट्यूबलाइट कितनी अच्छी लगा रखी हैं और पंखे बहुत सारे लगा रखे हैं, सारे पंखे चले हुए हैं अभी। तो ये है बरामदे का नज़ारा, यात्री यहाँ पे बैठे हैं, कल ही चालू होया है। और जगह जगह पे
अनाउंसमेंट के लिए लाउड स्पीकर हैं। काफी बड़ा बस स्टैंड है और यात्रियों की सुविधा के लिए काफी कुछ बनाया गया है। ये इस तरह के स्टूल बहुत सारे लगा दिए, ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। टिकट काउंटर दोस्तों 18 टिकट काउंटर है, सॉरी मैं पहले गिन नहीं पाया था इसलिए अभी आपको बता दूं, टिकट काउंटर 18 हैं। जैसे कि ये 7 नंबर, वो आगे 3 नंबर, 4 नंबर। तो बहुत अच्छा बस स्टैंड बना दिया बहादुरगढ़ का। पुराने बस अड्डे में यात्री बहुत ज़्यादा परेशान होया करते, पानी भर जाया करता, और कुछ दुकानें भी ओपन हो गई हैं यहाँ पे। ये 3 दुकानें ओपन हो गई हैं, ठंडा पानी, स्नैक्स वगैरह, तो इस तरह से ये ओपन कर दी गई हैं। और अभी चलते हैं इस तरफ, काफी बड़ा है ये स्विच। देखो जी, जितने भी पंखे लाग रहे हैं उन सब के स्विच यहाँ से ऑन ऑफ करे जा हैं, क्योंकि बहुत सारे पंखे लाग रहे हैं परिसर में। काफी सुंदर बस स्टैंड बना दिया। और यहाँ से ऊपर जाने का रास्ता है दोस्तों, ऊपर का भी मैं थोड़ा दिखा दूं आप लोगों ने। तो जी ये है ऊपर का नजारा। यहाँ पर जितने भी ये कमरे बने हुए हैं, क्वार्टर बने हुए हैं, ये सभी स्टाफ के लिए हैं और वहां तक बना रखे हैं। बहुत सारे कमरे हैं और ऊपर से एक बार नजारा देखेंगे नीचे का बस स्टैंड का। ये देखो सामने ये शौचालय है, यहां से व्यूज देखो आप अपने नए बस स्टैंड का। दोस्तों ऊपर चढ़ने के लिए जो सीढ़ियां हैं उन पे ये ग्रेनाइट का इस्तेमाल किया गया है। और यहाँ पे पूरे परिसर में कोटा स्टोन है और ये इस तरह की टाइलें हैं पीले वाली। ये टाइलें दरअसल दोस्तों मैं बता दूं, जो कि अंधे लोग हो हैं उनके लिए हो हैं, वे इन पर चल सके, उनकी ट्रेनिंग हो है खास, तो उन्हीं के लिए टाइलें होती हैं। और बस अड्डे पीछे का मैं आपने दिखाऊं तो जी ये देखो पीछे भी बहुत सारी जगह जो है खाली पड़ी है। और ये एक मोर था यहाँ पे जो हमने देख के भाग लिया। अभी आप लोगों ने मैं दिखा दूं काउंटर जहां पे बस लगेंगी, कौन सी बस कै नंबर पर लगेगी वे, और दिखा दूं एक बार आप लोगों ने। ये है जी, ये बस शेल्टर बना दिए यहाँ पे लाइन में। और अभी शुरुआत करते हैं 1 नंबर से। तो ये देखो जी 1 नंबर पर बस लगेगी जी, दिल्ली चंडीगढ़ बैजनाथ धर्मशाला लुधियाना जालंधर। और दूसरे नंबर पर है मुंडका नांगलोई पीरागड्डी वजीराबाद बाईपास दिल्ली के लिए। और ये जी हमारे गांव की बस यहाँ पर लगेगी, दुलेड़ा झज्जर छुचकवास बहुजौलरी दादरी पिलानी। और ये 4 नंबर पर रोहतक हिसार सिरसा डबवाड़ी बठिंडा फाजिलगा। 5 नंबर पर है जी रोहतक कलानौर भिवानी जींद कैथल पटियाला। और 6 नंबर पर सांपला इस्माइला कलावड़ अस्थल भोर रोहतक। 7 नंबर पर है झाड़ोदा नजबगढ़ गुरुग्राम फरीदाबाद बल्लभगढ़ पलवल। ताई रोहतक वाली आओगी थोड़ी बार में? हाँ ये ताई भाई नहीं आई है बस स्टैंड पे। और जी 8 नंबर पर है आसोदा जसोर खेड़ी बरोना खरखोदा सोनीपत चंडीगढ़। 9 नंबर पर है जी आनंदा कुलासी पाई खरखोदा सोनीपत चंडीगढ़। 10 नंबर पर है बामडोली लडरावन सहदपुर कुंडल पीपली खरखोदा सोनीपत। 11 नंबर पर है सापला कुलताना बराना डी गलगोची बेरी। अभी यहाँ पे ये बस लग रही है, पहली बार आज बस आई है दोस्तों। 12 नंबर पर है दोस्तों मांडोठी मातन छारा मराना दुजाना बेरी। और जी 13 नंबर पर है सोलदा गुबाना बादली मुंडा खेड़ा बाढ़सा एम्स के लिए 13 नंबर पर लग गई। 14 नंबर पर है बादली पेड़पा निमाणा याकूपुर रुकनगर। और जी 15 नंबर पर बता दूं मैं आपने माजरा देशलपुर शाहपुर भूपणिया खुंगाई खेड़ी आसरा। 16 नंबर टीकरी बॉर्डर घेवरा मोड़ कंजावला बवाना नरेला। और जी 17 नंबर है नांगलोई पीरागड्डी पंजाबी बाग नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। और जी 18वां नंबर जो है वो मैं आप लोगों ने बता दूं, ये है जी सिटी बस सर्विस। यहाँ पर वह बस लगेगी जो कि पुराने बस स्टैंड पर जा गया सवारी लेकर आओगी। 2 बस फिलहाल लगाई गई है पुराने बस अड्डे के लिए,
जो कि सिटी बस सेवा के नाम से होगी और उसका किराया 5 रुपये सवारी होगा। यानी कि पुराने बस स्टैंड से इस नए बस अड्डे पाने के लिए आपने 5 रुपये खर्च करने पड़ेंगे, तो यो थोड़ा बोझ बढ़ा है यात्रिया का, 5 रुपये हमने उस बस में देने पड़ेंगे। और तो भाई ऑटो वगैरह खूब चल लेंगे, जैसे कि सामने वो ऑटो रहे, इस तरह की सवारियां भी खूब चल लेंगी। तो जी ये वीडियो थी आज की बहादुरगढ़ नए बस अड्डे की, आपने पसंद आवे लाइक करियो, शेयर करियो, कमेंट करियो और चैनल ने सब्सक्राइब जरूर कर दियो दोस्तों, और बताइयो भाई अपना बहादुरगढ़ का बस स्टैंड आपको कैसा लगा।